तो भाई एक कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा आता है कि भाई फ़ोटोपिया को ऑफलाइन कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि किस तरह आप फ़ोटोपिया को बगैर इंटरनेट के यूज़ कर सकते हो और ये यूज़ करना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, ये सारी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिनको अभी तक फ़ोटोपिया के बारे में कुछ भी नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद हम ये वाली वीडियो को शुरू करेंगे। तो बेसिकली फ़ोटोपिया एक ऑनलाइन सर्विस है जिसके अंदर आप फ़ोटोज़ को एडिट कर सकते हो। तो इसकी खास बात यह है कि ये आपको फ़ोटोशॉप के सारे टूल बिल्कुल फ्री में देती है एंड आप इसको किसी भी डिवाइस के अंदर यूज़ कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसा कि मैंने बताया ये एक ऑनलाइन सर्विस है इसलिए आप इसको इंटरनेट के ज़रिए ही यूज़ कर सकते हो, लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आप इसको बगैर इंटरनेट के भी यूज़ कर सकते हो। तो आप वीडियो को पूरा देख लेना। तो बाकी चीज़ें जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फ़ोटोपिया को ऑनलाइन कैसे यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली आप फ़ोटोपिया को दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन। पहला ये है कि आप इसका एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो जो कि ये है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो फ़ोटोपिया को ऑनलाइन यूज़ करने का दूसरा मेथड ये था कि आप इसको डायरेक्ट फ़ोटोपिया की वेबसाइट के ज़रिए यूज़ कर सकते हो। तो इन दोनों मेथड में फ़र्क ये था कि अगर आप एप्लीकेशन का यूज़ करके फ़ोटोपिया को यूज़ करते हो ये थोड़ा सा स्मूथ वर्क करेगा एज़ कम्पेयर टू वेबसाइट। तो यही दोनों में फ़र्क था। ओके, तो अभी हम बात कर लेते हैं फ़ोटोपिया को किस तरह आप ऑफलाइन यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए आपके पास पहली बार इंटरनेट ज़रूर होना चाहिए एंड उसके अलावा गूगल क्रोम एप्लीकेशन भी आपके पास होना चाहिए जो कि ऑलमोस्ट सारे मोबाइलों में होता है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ क्या प्रोसीजर रहेगा। तो सबसे पहले आपने इंटरनेट को ऑन कर लेना है, उसके बाद आपने गूगल क्रोम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो गूगल क्रोम पर आपने एक न्यू टैब ओपन कर लेना है, न्यू टैब में आपने एक वेबसाइट ओपन कर लेनी है जिसका नाम क्या है, फ़ोटोपिया.com। आप देख सकते हो तो फ़ोटोपिया.com लिख के हमने ओके कर लेना है। तो जैसे ही वेबसाइट ओपन होने के बाद अच्छी तरीके से लोड हो जाए तो आप इंटरनेट को ऑफ कर सकते हो। तो हमारा इंटरनेट ऑफ हो चुका है, तो अभी मैं आपको फ़ोटोपिया ऑफलाइन यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा मैंने बगैर इंटरनेट के भी फ़ोटोपिया को यूज़ किया एंड उसके टूल्स को यूज़ करके देखा, उन्होंने बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क किया था। तो इस तरह आप ऑफलाइन रहते हुए भी एडिटिंग कर सकते हो। तो ऑफलाइन मोड में जब आप एडिटिंग करने के बाद फ़ोटोपिया को बंद करने लगो तो आपने क्या करना है, न्यू टैब बना देना है एंड गूगल क्रोम को ऑफ कर देना है। तो जब कभी आपने दोबारा से एडिटिंग करनी हो ऑफलाइन मोड में रहते हुए ही तो आपने क्या करना है, गूगल क्रोम में चले जाना है एंड टैब वाले पैनल में चले जाना है एंड वहाँ से फ़ोटोपिया वाले टैब को ओपन कर लेना है एंड दोबारा से अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। तो अभी मैं दोबारा से आपको एडिटिंग करके दिखा देता हूँ क्या ये वर्क करता है या नहीं। तो अभी भी आपने देखा ऑफलाइन मोड में भी दोबारा से सारे टूल्स ने सही से वर्क किया जिस तरह ये नॉर्मली करते होते हैं। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे क्या ये ऑफलाइन मोड में रहते हुए फ़ोटो को सेव कर पाता है या नहीं कर पाता। तो अगर इसने सेव कर लिया तो आप इसको ऑफलाइन यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको ऑनलाइन ही यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी इसको भी हम देख लेते हैं। तो अभी आपने देखा इसने ऑफलाइन मोड में रहते हुए फ़ोटो को सेव भी कर लिया है जो कि नॉर्मली करते होते हैं। तो आप ऑफलाइन मोड को यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इसका पेज कभी भी रिफ़्रेश मत करना। तो अगर आपने गलती से भी पेज रिफ़्रेश कर दिया तो आपको एक बार दोबारा से इंटरनेट देना पड़ेगा, तब जाके ये वर्क करेगा। तो इसलिए इससे बचने का मेथड यही है कि आप जब भी फ़ोटोपिया को बंद करने लगो तो आप एक न्यू पैनल बना के बंद किया करो, ताकि अगर कभी आप गलती से गूगल क्रोम को ओपन कर लो एंड आपका इंटरनेट डेटा ऑन हो तो आपका पेज रिफ़्रेश ना हो पाए। तो अभी हम बात कर लेते हैं फ़ोटोपिया को ऑफलाइन यूज़ करना चाहिए या फिर ऑनलाइन, कौन सा बेस्ट रहेगा। तो
एक बात मैं आपको बता दूंगी, अगर आप फोटोपे को ऑफलाइन यूज़ करोगे ये थोड़ा सा स्लो वर्क करेगा एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन, क्योंकि ये सर्वर से कनेक्ट होता है। तो अगर आप ऑनलाइन यूज़ करोगे ये थोड़ा सा फास्ट वर्क करेगा, बाकी इतना भी डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो मैं पर्सनली आपको एक सजेशन दे सकता हूँ जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, आप फोटोपिया के एप्लीकेशन को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में रख लो। तो इसका एप्लीकेशन 1 MB से भी कम है जो कि आपके मोबाइल पे बिल्कुल भी लोड नहीं डालेगा। तो आप इसका एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके रख लो, उसके अलावा गूगल क्रोम में इस तरह का एक पेज भी ऑफलाइन करके रख लो। तो इस तरह अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल हुआ करे तो आप इसके एप्लीकेशन को यूज़ कर लिया करो, अदरवाइज़ अगर आपके पास इंटरनेट ना हो बाय चांस तो आप इसका ऑफलाइन मोड भी यूज़ कर लिया करो। तो इस तरह आप दोनों चीज़ों को एक साथ रख सकते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी एंड आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। तो कोई भी प्रॉब्लम आए मुझे कमेंट करो, मैं उसके सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा एंड वीडियो बनाऊँगा। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, पसंद है तो लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आप फोटोपिया का एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो बाकी मुलाकात होगी किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।